बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम ने महंगाई में कमी का क्रेडिट सियासी हरीफ को दे दिया। ट्रूडो का कहना है कि पॉलिवर ने लिबरल्स के सामने महंगाई के खदशात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर के पास काबिले अमल हल नहीं है। कनाडा की आबादी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। 2023 की तीसरी सहमाही के दौरान आबादी में 4,30,000 से ज्यादा इजाफा हुआ। गैर मुस्तकिल बाशिंदों की भी रिकॉर्ड तादाद में कनाडा आमद। टोरंटो में शदीद सर्दी के दौरान वार्मिंग सेंटर बंद होने पर वकला में तशवीश। वकला का कहना है कि लोगों को मुश्किल वक्त में बेयारों मददगार छोड़ दिया जाता है। शहरी इंतजामिया का कहना है कि अमला तनदही के साथ काम कर रहा है। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। नाअहली के फैसले का इत्तला सिर्फ कोलोराडो रियासत पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने के बायस नाअहली का सामना है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपने अहम सियासी हरीफ को महंगाई के बारे में कनाडा के खदशात पर काबू पाने का क्रेडिट दे रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपने अहम सियासी हरीफ को महंगाई के बारे में कनाडा के खदशात पर काबू पाने का क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर के पास काबिल अमल हल नहीं है। एक इंटरव्यू में ट्रूडो ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि पियर पॉलिवर ने लिबरल्स के सामने महंगाई के खदशात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। कनाडा में गुज़िश्ता साल के दौरान अफराते ज़र में इजाफा हुआ है, जिसका एक हिस्सा खुराक की बुलंद कीमतों की वजह से है। 2022 के मौसम खजा में कंजर्वेटिव रहनुमा मुंतखब होने के बाद से पॉलिवर ने अपने सियासी पैगाम के मरकज़ में महंगाई को रखा है और लिबरल्स पर हमला करने के लिए अफराते ज़र और शरह सूद में इजाफे का इस्तेमाल किया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो सोचते हैं कि वोटर्स ने लिबरल के नज़रियात और हल को मुतासर किया है, ट्रूडो ने कहा कि वो फ़िक्रमंद नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझते कि पॉलिवर ठोस मुतबादल तजवीज़ कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके लिबरल्स ने पॉलिवर कंजर्वेटिव के लिए महंगाई के मसाइल के बारे में ज़्यादा आवाज़ उठाने की गुंजाइश छोड़ी है, ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत ने उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो बामायनी और हकीकी और सोच समझ कर कर रहे हैं और हम उन्हें करने में मसरूफ़ हैं। कनाडा की आबादी में इजाफे की रफ्तार रिकॉर्ड कायम करती चली जा रही है, क्योंकि मुल्क में तारीखी तादाद में आर्जी रिहायशी आ रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की आबादी में इजाफे की रफ्तार रिकॉर्ड कायम करती चली जा रही है, क्योंकि इस मुल्क में तारीखी तादाद में आर्जी रिहायशी आ रहे हैं। तीसरी सहमाही के दौरान मुल्क की आबादी में 4,30,000 से ज्यादा इजाफा हुआ, जो कि 1957 के बाद किसी भी सहमाही में आबादी के इजाफे की तेज तरीन रफ्तार है। शुमारियात कनाडा ने मंगल को अपनी पहली अक्टूबर की आबादी का तखमीना जारी किया, जिससे यह तादाद 40.5 मिलियन से ज़ायद है। एजेंसी का कहना है कि 2023 के पहले 9 महीनों में आबादी में इजाफे ने पहले ही किसी दूसरे पूरे साल की मजमू नमू को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 2022 में कायम रिकॉर्ड भी शामिल है। इसको बैन अवी नकल मकानी ने ईंधन दिया है, जिसमें तकरीबन 3,13,000 गैर मुस्तकिल बाशिंदे शामिल हैं, जो 3 माह के दौरान मुल्क में आए थे। स्टेट कैन का कहना है कि वो गैर मुस्तकिल रहायशी ज़्यादातर काम करने वाले और मुताले के इजाज़त नामा रखने वाले थे और एक हद तक
पनाह गुजीनों के दावेदार थे। माहरीन मुतनबा कर रहे हैं कि कैनेडा में आबादी में इजाफे की तेज रफ्तार मकानात की इस्तेआत को ख़त्म कर रही है, इसलिए कि मुल्क ने घर की तामीर को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की है। मजबूत आबादी में इजाफा लिबरल्स के लिए भी एक सियासी खतरा बन रहा है। लिबरल हुकूमत ने हालिया महीनों में बैन अल-अक़वामी तलबा की आमद से निपटने के लिए कुछ इकदाम किए हैं। अगरचे कैनेडा में हर साल मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने वाले लोगों की तादाद की हद होती है, बैन अल-अक़वामी तालिबे इल्म और आर्जी गैर मुल्की कारकुन के प्रोग्रामों पर कोई हद नहीं है। टोरंटो में पीर की रात वार्मिंग सेंटर्स बंद रहने पर बेघर अफराद के वकला तशवीश में मुब्तला है, जब दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में पीर की रात वार्मिंग सेंटर्स बंद रहने पर बेघर अफराद के वकला तशवीश में मुब्तला है, जब दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था। मौजूदा हिकमत अमली जो 15 नवंबर को नाफिज की गई है, ये है कि जब दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा तो शहर की 170 जगह 4 वार्मिंग मराकज में फाल हो जाएंगे। हवा की सर्दी कोई ऐसा अंसर नहीं है जो उलझन का बाइस बने। वकला का ये कहना है कि ये फैसला बहुत जल्द किया जाता है और शहर लचकदार नहीं है। एक हकीकी परेशानी है कि लोगों को फंसे हुए छोड़ दिया जा सकता है। हम जानते हैं कि लोग मौसम में बाहर फंसे हुए हैं, जहाँ वो बिल्कुल मर सकते हैं या सर्दी से ज़ख्मी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लचकदार होना पड़ेगा। सिटी ऑफ टोरंटो के तर्जुमान रिसल बैकर ने कहा कि अमला तनदही से मौसम की पेशगोइयों की निगरानी करता है ताकि ये देखा जा सके कि हदें -5 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को कब पूरा करती हैं। शहर का अमला हर सुबह जाग रहा है और वो माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली कैनेडा से आने वाली पेशनगोई की जाँच कर रहे हैं और इस टूल के ज़रिए दस्तियाब मालूमात की बुनियाद पर फैसले करेंगे। वकला ने शहर से इल्तिजा की है कि दर्जा हरारत की हद के बजाय गर्मी के मराकज को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रखें। कैपिटल हिल हमला केस में अमरीकी अदालत की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैपिटल हिल हमला केस में अमरीकी अदालत की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को रियासत कोलोराडो की अदालत ने बगावत में मुलविस अफराद को अहदा संभालने से रोकने की शिक के तहत 2024 के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदारती उम्मीदवार हैं जिन्हें नाअहली का सामना करना पड़ा है। साबिक सदर को 4 जनवरी तक अपील का हक भी दिया गया है। अमरीकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की वजह से इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। साबिक सदर को बगावत या बगावत में मुलविस अफराद को अहदा संभालने से रोकने की अमरीकी आइन में मौजूद शिक के तहत नाअहल किया गया है। सदर ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर हैं जिन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो की रियासत पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने के बायस नाअहली का सामना है। ट्रंप के वकील ने फैसले को जमहूरियत के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।